अपने नेता राज कपूर यादव जी का, अपने नेता इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी का, नसीम खान साहब का, ब्रजेश मिश्रा जी का और हम लोगों के नेता आदरणीय राजमणि पांडे जी का स्वागत करते हुए मैं मंचासीन सभी नेताओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये चुनाव की बेला है और मुझे इस बात का फख्र है कि बस्ती सदर के हिस्से में उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत आई है रामप्रसाद चौधरी के रूप में। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि मैं इसी आपके इलाके से बगल से जिला पंचायत का सदस्य हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जब हम लोगों का जाना होता है तो वहां पर हम लोग रामप्रसाद चौधरी जी के माध्यम से पहचाने जाते हैं कि हम उस जिले से ताल्लुक रखते हैं, कि हम रामप्रसाद चौधरी जी के इलाके से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोगों ने देखा है कि पिछले 5 साल कई सालों से लगातार संघर्षीय समाजवादी पार्टी के नेता जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के सवाल पर जब आवाज उठानी होती है तो ये समाजवादी पार्टी के नेता आपके सामने आते हैं। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की महिलाओं के साथ जुल्म और अत्याचार करती है, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ जब जुल्म और अत्याचार होता है तो ये नेता आपके बीच में आते हैं। आज एक वोट का सवाल है 25 तारीख को। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, याद करिएगा अखिलेश यादव जी का जमाना। अखिलेश यादव जी ने आपके बीच में वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों घबराना नहीं, अगर हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो उत्तर प्रदेश के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने का काम हम करेंगे। और हमारे नेता ने इन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद और ताकत से उत्तर प्रदेश के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया। उन्होंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के मरीजों को घबराना नहीं, अगर हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो हम अपने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे, आपको तड़पता हुआ नहीं छोड़ेंगे। और हमारे नेता ने किया, हमारे नेता ने नौजवानों के लिए, हमारे नेता ने छात्रों के लिए, हमारे नेता ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लोहिया आवास के माध्यम से, जनेश्वर मिश्रा आवास के माध्यम से अपना काम किया। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं कहना चाहता हूं कि ये नेता जो हमारे बीच में बैठे हैं ये रामप्रसाद चौधरी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की एक मजबूत ताकत है। ये उत्तर प्रदेश में इनके नाम से कई कई संसदीय क्षेत्रों में रामप्रसाद चौधरी जी का नाम लिया जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामप्रसाद चौधरी हमारे साथ है। आज बस्ती जनपद के लोगों, बस्ती लोकसभा क्षेत्र के लोगों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने इस नेता को इतने बहुमत से जिता देना, गांव, गलियों, कस्बों में हो सकता है आपके क्षेत्र में ना आ पाए, लेकिन रामप्रसाद चौधरी बनकर के 25 तारीख तक आप साइकिल वाले खाने के लिए वोट मांग लेना। 25 के बाद रामप्रसाद चौधरी जी और उनके तमाम समाजवादी साथी आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए हाजिर होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि कदम कदम पे चिरागे वफा जलाएंगे, सियाह बस्तों के तकदीर जगमगाएंगे, हमारे हाथ में आने तो निजामे चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। खुदा की जय जय।